हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, जो वैकेंसी आई हुई है, क्लर्क के लेवल की वैकेंसी आई हुई है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न जो सचिवालय का है, जो उत्पाद सिपाही का है, सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, चलिए डिटेल वाइज हम देखते हैं। और इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पूरा मैंने जो एग्ज़ाम जो पीडीएफ में नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या कितना पोस्ट है, हर पोस्ट में क्या कहा गया है, कौन सा डिपार्टमेंट का पोस्ट है, क्या सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन होगा, कितना कट अपडेट होगा, सारा मेंशन किया हुआ है, मैंने अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। और सिलेबस का और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा ना, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। क्या एग्ज़ाम होगा? ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओएमआर सीट पर होगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ओएमआर सीट पर होगा, ठीक है। ओएमआर सीट जो इस तरह से होता है, ये आपको रंगना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से रंगना पड़ता है, वो सीट इस तरह से होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह वाला सीट होगा, ठीक है, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, यह आपको जानना है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सब में नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम का शिफ्ट अगर एक ही दिन पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम दो दिन या तीन दिन चलता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन देखिए, अगर पहला दिन, अगर फर्स्ट डे अगर आपका क्वेश्चन का लेवल भारी पूछा, डिफिकल्ट पूछा, और दूसरे दिन अगर आसान पूछ दिया, और तीसरा दिन फिर से आसान पूछ दिया, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, ये जितना भारी एग्जाम हुआ था ना, वो उसके बराबर करने के लिए कुछ नंबर को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए, अगर पहला दिन भारी एग्जाम, टफ एग्जाम लिया, तो उस दिन आपका मान लीजिए 200 नंबर आ रहा है, और जिस दिन आसान एग्जाम हुआ उस दिन किसी का 300 नंबर आ रहा है, तो कितना का डिफरेंस हुआ, 100 नंबर का डिफरेंस हुआ, तो 100 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा इसमें, है ना। तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, ठीक है, और दोनों का लेवल को बराबर कर दिया जाता है, ये नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन दो तीन तरह से होता है। अगर आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहा, अगर आप 50 क्वेश्चन किए उसमें अगर आप 48 क्वेश्चन सही बना देते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इस तरह से एक्यूरेसी परसेंटाइल में आपको नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर जो एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का जो तीन टाइप, त्रिपाली में एग्जाम होगा, एक ही दिन में, अगर एक दिन होता है कितना दिन भी एग्जाम होगा, लेकिन हर एक दिन तीन पेपर का एग्जाम होना है, ठीक है, दो दो घंटा का तीन पेपर एग्जाम होगा। अगर जो पहला पेपर जो होगा ना, हिंदी का होगा, लेकिन हम यहां पर बता दे चले कि एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन जो होगा ना वो तीन मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन में आपको तीन मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एक गलत करते हैं ना, तो आपको एक नंबर काट लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तीन पत्र होंगे। पहला पत्र में क्या होगा? पहला पत्र में हिंदी और अंग्रेजी, जो भाषा का एग्जाम लिया जाएगा, लैंग्वेज पेपर का, ठीक है, जो 120 प्रश्न का होगा, है ना, 120 क्वेश्चन उसमें होंगे, और आपको दो घंटा दिया जाएगा। कितना? दो घंटा दिया जाएगा, ये फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। इसमें हिंदी भाषा में 60 प्रश्न होंगे, ठीक है, हिंदी भाषा से 60 प्रश्न होंगे। इसमें 20 जो होंगे वो अनुच्छेद होगा, मीन्स हिंदी का पैसेज होगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी का पैसेज होगा, और व्याकरण से 40 क्वेश्चन पूछे जाएगा, है ना, व्याकरण से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अंग्रेजी, इंग्लिश होगा, इंग्लिश से भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी पैसेज से 20 प्रश्न होगा, पैसेज 20 प्रश्न होगा, ठीक है। और ग्रामर, ग्रामर 40 प्रश्न होगा, ग्रामर का कितना होगा?
40 प्रश्न होगा ग्रामर का, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर, और ये जो फर्स्ट पत्र होगा, जो पहला एग्जाम होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका जितना भी मार्क्स आएगा वो फाइनल मार्क्स में जोड़ा नहीं जाएगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, उसमें ये दोनों का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको 30% लाना है ना, इसमें आपको 30% लाना है ना। तो 30% कितना हो रहा है, तो तीन तीन नंबर का है, इसमें 60, इसमें 60, तो कितना हो रहा है 300, तो 120 नंबर और तीन तो 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसमें आपको 30% लाना है, 30% लाना है, तो कितना 108 नंबर आपको लाना पड़ेगा, है ना। 360 नंबर में आपको 108 नंबर लाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और अगर आप 108 नंबर से कम लाते हैं, 30% से कम लाते हैं, तो बाकी जो पेपर होगा, जो मेन पेपर होगा, उसका कॉपी आपका चेक नहीं होगा और आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो इसमें आपको पास करना, 30% लाना एकदम जरूरी है, नहीं तो आपका बाद का कॉपी चेक नहीं होगा, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। आपका पेपर कितना भी अच्छा क्यों नहीं गया हो, लेकिन आप इसमें पास नहीं किए ना, तो आपका बाद का कॉपी चेक नहीं होगा। ये आप याद रख लो, गांठ बांध लो ये, ठीक है। तो इसमें फोकस करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फोकस करना है। 108 नंबर आपको लाना पड़ेगा, 30% मार्क्स, ठीक है। हाँ, पत्र टू हो जाने के बाद, पत्र वन हो जाने के बाद, पत्र टू में हमारा जो होगा वो एक रीजनल पेपर होगा। रीजनल पेपर जो भाषा का होगा, है ना, क्षेत्रीय भाषा का इतने पेपर, इतने हमारे पास पेपर है, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, उर्दू है, संताली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुरुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह भाषा में से आपको एक कोई चुनना है, जो जिस भाषा में फिट बैठता है, जो भाषा जिसको आसान लगता है, उसे आप चुन लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम कोई नागपुरी चुनते हैं, ठीक है, क्योंकि नागपुरी सबसे ज्यादा बोला जाता है ना, नागपुर क्षेत्र पे। उर्दू भी चुना जाता है, संताल चुनता है, बंगाली, संताली लोग बंगाली भी चुनते हैं, मुंडारी भी चुनता है, मुंडा लोग, है ना, उरांव लोग कुड़ुक चुनता है, ठीक है। तो पंच परगनिया में तमाड़ के क्षेत्र के चुना जाता है। तो इस भाषा में, 11 भाषा में जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसमें से आप किसी को चुन सकते हैं, ठीक है। वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 300 मार्क्स का होगा, है ना, एक क्वेश्चन 300 मार्क्स, ठीक है। और इसमें पास के लिए 30% आपको लाना है, मीन्स 90 नंबर आपको मिनिमम मार्क्स लाना है, ठीक है। अगर 89 आ गया ना, 89, तो आप फेल हो जाओगे इसमें, ठीक है। लेकिन ये गारंटी नहीं है, इसका मार्क्स जुड़ेगा, लेकिन इसका कटअप बहुत ज्यादा, ये मिनिमम मार्क्स है, तो आप इसे 250 से ज्यादा लाने की कोशिश करोगे, 250 से ज्यादा लाने की कोशिश करोगे तो ही मेरिट में आने का चांस बनेगा, ठीक है। ये लैंग्वेज पेपर में 300 में 250 से कम आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद आपका देखिए झारखंड डीएस से क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये होगा 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन होगा, ये होगा 30 क्वेश्चन, और ये, हाँ, अरे ये 50 क्वेश्चन ये होगा,
ठीक है। तो देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है ना, तो झारखंड राज्य मतलब झारखंड जीएस, जो झारखंड जीएस है ना उसके बारे में पूछा जाएगा, एक एक चीज पूछा जाएगा, मींस उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि ये इंटर लेवल का एग्जाम है, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए झारखंड की सभ्यता, जो झारखंड का इतिहास है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। झारखंड की सभ्यता क्या है, झारखंड किस तरह से बना, झारखंड में यहाँ पर अगर आदिवासी लोग रहते थे और झारखंड का इतिहास क्या रहा है ना, झारखंड का अस्तित्व कब से आया, वो सब बारे में यहाँ पर आपको पूछेगा, ठीक है। और संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है झारखंड का, ये सब के बारे में पूछेगा। ट्राइब पूछ सकता है, यहाँ का डांस पूछेगा, यहाँ का त्यौहार पूछेगा, फेस्टिवल पूछता है, ठीक है, ठीक है। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज पूछता है, यहाँ का बहुत सारी भाषाएँ हैं उसके बारे में पूछेगा। स्थान प्लेस, झारखंड में कितने स्थान है, 24 जिला है, 24 जिला में बहुत सारे प्रखंड सब है, उनके बारे में पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे खान हैं, खनिज हैं, है ना, उसके बारे में आपको पूछेगा क्योंकि इस सब बुक में आपका अवेलेबल है। उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है, आप टूपुदाना तरफ जाओगे रांची इंडस्ट्रियल एरिया है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया है, धनबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन पूछेगा, भूगोल, यहाँ का ज्योग्राफी पूछेगा, यहाँ का इतिहास पूछेगा, काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ पर नदी, पहाड़ और यहाँ का जिला में कौन सा राज्य कहाँ, कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन से किससे टच करता है, कितना स्टेट से टच करता है, ये सब पूछे जाएंगे। झारखंड का इतिहास पूछेगा, है ना, झारखंड में, झारखंड को अलग करने में, झारखंड को बिहार से अलग करने में कौन सा नेताओं, कौन सा क्रांतिकारियों का योगदान रहा, उस सब के बारे में इतिहास में पूछेगा। देखिए साथ में राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय झारखंड के जितने भी क्रांतिवीर थे उनका योगदान क्या है, उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। और साहित्य, जो यहाँ के जो यहाँ के जो लेखक हैं वो बहुत सारे बुके लिखे हुए हैं, उनके बारे में पूछेगा, उनका नाम पूछेगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसका नाम पूछेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर झारखंड में कितना विकास, कितना योजनाएं चल रहे हैं जिससे झारखंड में, जैसे मान लो पीडीएस हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड सब में चलता है, ठीक है, झारखंड के बहुत सारे योजनाएं यहाँ पर चलते हैं, उस सब के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। खेल खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारे झारखंड को ओलंपिक खेले हैं, झारखंड टीम में खिलाड़ी हैं, झारखंड के फुटबॉल टीम है, झारखंड का हॉकी टीम है ना, झारखंड में भारतीय ओलंपिक भी हो चुका है 2010 में, उसके बारे में भी आपको पूछेगा, ठीक है। झारखंड के पर्सनैलिटी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, ठीक है, फिर झारखंड के और प्लेयर हैं जैसे ईशान किशन हो गए, फिर से सलमा टेटे हो गई, इस सब के बारे, निक्की प्रधान है, वो सब के बारे में पूछेगा। नागरिक की उपलब्धियां, बहुत सारे अवार्ड मिला जाता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं झारखंड में, ठीक है, उस सब के बारे में पूछेगा आपका, जो पुरस्कार मिलता है ना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। देखिए झारखंड में जितने भी चीज है जो नेशनल लेवल से रिलेटेड है और इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड है, उन सभी चीजों में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको पूछने की कोशिश यहां पर करेगा, ठीक है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। विकास योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन बहुत पूछता है, पुरस्कार हर एक एग्जाम पूछा, खेल खिलाड़ी, साहित्य, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, है ना, ये सब चीजों में क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको इतना पढ़ना है, जो इसमें दिया गया है इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले झारखंड राज्य से संबंधित जो है ना जीएस है, आप बहुत सारे बुक आता है, लेकिन एक पार्टिकुलर कोई बुक को उठाओ, उस बुक को आप पूरा पढ़ जाइए, पूरा पढ़ जाइए, आप 10 दिन 15 दिन एक महीना में वो बुक को पूरा पढ़ जाइए और उस बुक के अकॉर्डिंग आप वहां पर क्वेश्चन बनाते जाओ, है ना, नोट्स बनाते जाओ। और जो ये बोला है झारखंड की सभ्यता, झारखंड की सभ्यता से जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेंगे उसका प्रॉपर नोट्स बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है उसके आधार पर आप एक नोट्स बनाते जाओ,
इसका नोट्स बनाइए झारखंड की सभ्यता का, संस्कृति का भी नोट्स बन जाएगा, है ना। तो सारा चीज का नोट्स बनाते जाइए एक पर्टिकुलर पेज में, ठीक है। और एक एक चैप्टर का एक नोट बना लिए, उसका अलग कॉपी रखिए, उसको पिन मार दीजिए, स्टेपल कर दीजिए, तो उसका अलग हो गया। मीन्स जितना भी है ना सबका अलग 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 बनाते जाइए, ठीक है। और ये सब करेंट बेस पर भी होगा और पुराने बेस पर भी होगा पुरस्कार, ठीक है। इन सभी चीजों का आप प्रॉपर नोट बनाए। और सिलेबस से बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए और प्रीवियस ईयर में देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, ठीक है। और उसी टाइप से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स बनाइए विथ रिवीजन करते रहिए। देखिए अभी नोटिफिकेशन आया है तो आप अभी से तैयारी कीजिएगा ना, तो आपका लेवल बना रहेगा। आप ये नहीं कि एडमिट कार्ड का इंतजार कीजिए कि दो तीन महीना बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप अभी से तैयारी कीजिए क्योंकि फॉर्म आ चुका है, 20 मई से आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो आप प्रॉपर नोट बना के आप आराम छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए जॉब लेना है तो आराम नहीं करना पड़ेगा, वो बंदा का सिलेक्शन होता है जो आराम नहीं करता है, ठीक है। अभी के दौर में नो आराम, हराम हराम है, ठीक है। तो पूरा ध्यान दे दीजिए, पूरा 100% दीजिए, नोट्स बनाइए, डिस्कशन कीजिए, ग्रुप में पढ़िए, लेकिन बेकार बातें नहीं कीजिए, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होता है ना, जो कंप्यूटर आजकल चलाया जाता है उसका बेसिक ज्ञान होता है, वो तो आपको पूछेगा ही। लेकिन कंप्यूटर का जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, है ना, कौन सा फॉन्ट में क्या होता है, कौन सा की में कौन सा हिंदी का टाइपिंग पूछता है, तो उसको याद रखना है। मान लीजिए अगर आपका ए है, ए में हिंदी के अंदर में क्या क्या हो सकता है ना, वो सब के बारे में पूछा। जो आप कीबोर्ड लेते हैं ना, कीबोर्ड में जब हिंदी टाइप कीजिएगा कुर्ती देव से, तो वहां पर देखिएगा कि अलग अलग कभी हलंत आएगा, कभी विसर्ग आएगा, कभी ओकार आता है, कभी ओकार आता है, ठीक है। तो उस सब के बारे में आपको पूछेगा ये कौन सा की में कौन सा आता है, ठीक है। तो आपको उससे याद रखना पड़ेगा। अब टाइप जब करने जाओगे ना, टाइपिंग का क्लास ज्वाइन करोगे ना, उसमें सारा चीज वहां पढ़ाया जाएगा, तो आपको सारा चीज याद करना पड़ेगा, तो टाइपिंग से ही रिलेटेड है वो सब, ठीक है। तो इसका भी आप गूगल में जाओगे, गूगल से निकालोगे, प्रिंट आपका मिल जाएगा, ठीक है ये। और उसको याद कर लो, जो की का जो होता है ना हिंदी का, वो आप पूरा याद कर लो, और ये आपका ये क्वेश्चन अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान, जो सेंट्रल लेवल का जीएस है, जो सेंट्रल लेवल का जीएस होगा, ठीक है, वो 30 मार्क्स का पूछेगा, अरे 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 क्वेश्चन पूछेगा मींस 3 नंबर मतलब 90 मार्क्स का, ये पूछेगा 3 मींस 120 मार्क्स का, ये पूछेगा 50 × 3 ये तो 150 मार्क्स का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समसामयिक विषय, समसामयिक विषय में क्या होता है, देखिए सम देख एक करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स किसको बोलते हैं, बेसिकली 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का को कवर करता है। लेकिन जब समसामयिक पूछता है ना, समसामयिक विषय, तो ऐसा चीज जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, वो तो पर्सनैलिटी है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कौन सा आईपीएल टीम से फर्स्ट टाइम खरीदे गए थे, अगर वो पूछ दे, ठीक है, कौन सा टीम का कैप्टेंसी महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे पहले किया है, महेंद्र सिंह धोनी कौन सा टीम से सबसे पहले मैच खेले थे, ठीक है, तो वो समसामयिकी के अंदर में आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स रिलेटेड है लेकिन वो समसामयिकी से आएगा, ठीक है। अगर ये पूछ दे कि 2015 में किसने वर्ल्ड कप जीता, तो ये समसामयिकी का पार्ट है, ठीक है। अभी 2021 में भी वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 2015 में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन 15 वाला समसामयिकी, लेकिन 2021 वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए आगे वैज्ञानिक प्रगति, जो बहुत सारे यहाँ मिसाइल्स बनते हैं, बहुत सारे मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत सारे कंट्री डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट बना रहे हैं, तो वो सब चीज के बारे में यहाँ पर आपको पूछ सकता है, ठीक है। आजकल नॉर्थ कोरिया बराबर लॉन्च कर देता है मिसाइल, ठीक है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक, ठीक है, क्रूज मिसाइल, है ना, ये सब पूछा जाता है। और बहुत सारे कंट्री तो चंद्रमा में अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं, ठीक है, और चाइना भेजता है, भारत भेजता है, अमेरिका भेजता है, नासा भेजता है,
इसरो भेजता है, वो सब चीज के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल लेवल में जो हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, और राष्ट्रीय पुरस्कार में बहुत सारे साहित्य में दिया जाता है, बहुत सारे लेखकों को दिया जाता है, बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया जाता है, वो सब पुरस्कार पूछेगा आपको। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार जो होता है ऑस्कर पुरस्कार होता है, जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी मिला जाता है, ऑस्कर फिल्में में मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे प्लेयर्स जैसे आईसीसी पुरस्कार बांटता है, फुटबॉल में फीफा बांटता है, ठीक है, तो उसी तरह से पुरस्कार आपको पूछा जाएगा, ठीक है। भारत की भाषाएं, भाषाएं कितने, 24 लैंग्वेज जो संविधान में दर्ज किए गए हैं, ठीक है, 22 भाषाएं, ठीक है, उनके बारे में आपको पूछेगा, जो अमेंडमेंट हुआ है उस सब के बारे में आपको पूछेगा, जो पुस्तक होते हैं, है ना, बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट राइटर के द्वारा, वो पूछे जाएंगे आपको। बहुत सारे लिपि है ना, लिपि मीन्स भाषा, ठीक है, वो पूछा जाता है। कैपिटल जो करेंट में है, जो करेंट में बने हुए, बहुत सारे देश ऐसे देश होते हैं जो करेंट में न्यूज में होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, जो करेंट में न्यूज में ना हो उसका बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर करेंसी, जिस तरह भारत में रुपया चलता है, श्रीलंका में रुपया चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, इंडोनेशिया में रुपया चलता है, ठीक है, उसी तरह से मुद्रा, उसी को मुद्रा बोला जाता है, ठीक है। तो आपको करेंसी, खेल खिलाड़ी, प्लेयर सब के बारे में पूछेगा, है ना प्लेयर सब के बारे में, भारत का प्लेयर के बारे में पूछेगा, इंटरनेशनल प्लेयर के बारे में पूछेगा, उन सब चीजों को आपको याद रखना है। हाँ, प्लेयर सबको अवार्ड भी मिलता है, ठीक है, वो सब चीज आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जिस तरह अभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो उन सब चीजों में आपको नॉलेज रखना है, उन सब चीज से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, फिर क्या, भारत का इतिहास पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, आपका एंशियंट पढ़ना है, मतलब जो प्रागैतिहासिक इतिहास है, आपका मध्य भारत है, मध्य उत्तर है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वो सब चीजें पढ़ना है, संस्कृति क्या है भारत का, कल्चर वो पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, सौरमंडल, आपका भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, नदी, पहाड़, महादेश, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण पढ़ना है, पर्यावरण में क्या हो रहा है, कितनी इसकी बैठकें होती है, ठीक है, उस सब बारे में आपको पढ़ना है, जो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है, कितना हमारा जीडीपी कितना है, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर से आरबीआई ने कितना डाटा शेयर किया, आरबीआई ने क्या चेंजेस लाई, है ना, और फिर से कितना हम विकास दर है, कितना चाइना से कितना आगे हैं, है ना, ये सब बारे में पूछता है। और प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं, जो हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, मीन्स जो खनिज हैं उसके बारे में पूछेगा, ठीक है, जैसे कोयला हमारे झारखंड में है, तो इस तरह से इंडिया लेवल में पूछेगा, ठीक है। और भारत का संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उस सब सारा चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो संविधान आपको बता दिया जाएगा, कुछ अपने से पढ़ना नहीं है, सब चीज यहां बता दिया जाए, हम बताने की कोशिश करेंगे यहां पर, ठीक है। और राज व्यवस्था, ठीक है, ये इससे ही रिलेटेड है, देश की राजनीतिक प्रणाली, भारत में राजनीतिक प्रणाली किस तरह से है, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, भारत में किस तरह से राजनीति होता है, भारत में किस तरह से राजनीतिक पार्टियां बनती है, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, यहां पर पूछा जाएगा। पंचायती राज, देखिए पंचायत के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में हर एक जगह पंचायत का इलेक्शन होता है, तो पंचायत के बारे में आपका इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पंचायत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में कवर किया जाता है, ठीक है, तो पंचायत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे देखिए, सामुदायिक विकास, पंचायत से ही रिलेटेड है, पंचायत का ही पार्ट है, पंचायत से पहले सामुदायिक विकास होता था, ठीक है, 1952 तक, लेकिन उसके बाद इसमें चेंजेस आ गया, ठीक है, उसके बाद ये होगा, ठीक है। फिर पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना 1950 से शुरू हुआ था, ठीक है, जो 15 मार्च 1950 से शुरू हुआ था, जो रशिया से इस योजना के बारे में, वहां से उसका संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चला, 3 रोलिंग स्टोन चला, ठीक है, उसके बाद भारत में 2017 में नीति आयोग आ गया, पंचवर्षीय योजना लगभग समाप्त हो गई, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी आप प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लोगे, एक एक चीज का नोट्स बना लो, हर एक दिन अगर करंट अफेयर्स हो रहा है, कुछ समय की आपको जा रहा है, तो नोट्स बना लो, सबका एक अलग अलग कॉपी बना लो और उसको प्रॉपर रख लो, और हर एक दिन पढ़ते जाओ, उसका रिवीजन करते जाओ, और जब एग्जाम सामने आ जाएगा, एक महीना दो महीना एग्जाम सामने रहेगा, तो
तो उसके बाद प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते जाओ, डेफिनेटली आप सक्सेस करोगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम होगा तो इसके बारे में मैं यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसका क्लास लाने की कोशिश करूंगा, सारा जीएस मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा, जितने भी यहां पर दिए हुए हैं टॉपिक सारा चीज मैं इस पार्ट का नहीं कर सकता हूं, ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है, इसमें ज्यादा कमांड नहीं है, इसको पर्टिकुलर टीचर ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये दोनों चीजों को मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये दोनों चीजें मैं कराऊंगा, आपको गारंटी देता है। यूट्यूब में ऑफ कोर्स फ्री, मैं पेड कोई पेड में चलाता नहीं हूं, क्योंकि है ना, तो मैं YouTube में पूरा फ्री दूंगा, अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो PDF भी दे सकता हूं, ठीक है, तो आपका रिक्वेस्ट पे सारा काम होगा यहां पर, लेकिन मैं यहां पर क्लास लाऊंगा, ठीक है। और तो देखिए कितना का होगा, ये 300 मार्क्स का होगा, ये 300 मार्क्स, ये 150, ठीक है, ये 120, और वो हो गया 90, कितना मार्क्स का, ये 0, तो कितना हो गया, ये 16 और ये 5, 660 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है आपका, 660 नंबर का एग्जाम आपका होगा, है ना, 660 नंबर का एग्जाम होगा, कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहें, और जो पंचायत का नोट्स अच्छे से आप बना लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पूछा जाता है। और एक चीज, मैं सचिवालय का भी क्लास चला रहा हूँ, जाके आप देख सकते हो, मैथ का क्लास मैंने चलाया, नागपुरी का मैंने क्लास लिया है, और उत्पाद सिपाही का भी मैंने क्लास लिया, अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सचिवालय मैथ्स के लिए, तो आप जाइए क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू।